और हम अधिक न बोल करके हम अमर जी को बुलाना चाहते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा अमर जी, आप बहुत देर पहले से आए हैं। आज तो अभी तो होली है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब होली नहीं थी 7 महीने पहले एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मम्मी मम्मी क्या होली है आज? बोले नहीं अभी कहाँ, अभी तो होली फागुन में होती है। बोले नहीं नहीं, बोले क्यों? बोले जो बगल वाली निर्मला आंटी है ना, डैडी उनसे गले मिल रहे थे आज। मंदिर की इस भव्यता को नमन करता हूँ। मंच पर जाइए, देव पुरुष और देवी बैठी है, इनको प्रणाम करता हूँ और आप सबको नमन करता हूँ जिसने इस महफिल को सजाया है। ये तो वो व्यक्ति हैं जो रोज प्रयत्न करते हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो इनके प्रयत्न को बढ़ाते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। डॉक्टर झावेरी जी सर चले गए हैं, बड़ा अच्छा हंसाया था उन्होंने, और आओ बैठे हैं। और डॉक्टर मेहता जी भी बैठे हैं। जब कविता सुनाने लगे तो कहने लगे कि आज से 50 साल पहले लिखी थी। मुझे इनकी कविताओं को सुनकर वो दो लाइन याद आ गई, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता, कि कौन कहता है बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता, अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। एक बार इन वृद्ध नौजवानों के लिए तालियां बजाएं। डॉक्टर आर्य बैठे हैं, राजस्थान की वीरों की भूमि से संबंध रखते हैं। वहां पर वीरता है तो प्रेम है, प्रेम है तो माधुर्य है। जयपुर के एक बार एक बाग में दो बैठे थे बेचारे, बड़े प्रेम से एक दूसरे को कहने लगा है। प्रेमिका बोलती है अपने उसको, तुम बड़े कूल हो। प्रेमी बोलता, तुम बड़ी हॉट हो। पीछे से डॉक्टर साहब जैसे बुद्धिमान आदमी बैठे थे, उठ करके कहने लगे, जल्दी शादी कर लो, बच्चे गुनगुने पैदा होंगे। आप याद करें, आज होली बेरंग हो गई है। कभी होली थी, रंग लगने के बाद पता नहीं चलता था कि लगाने वाली भाभी है या देवरानी है या जेठानी है। होली थी तो होली थी। उन दिनों को याद करते तो मुझे किसी की 4 लाइनें याद आती हैं, कि कागज की किस्ती थी पानी का किनारा था, कि कागज की किस्ती थी पानी का किनारा था, होली खेलने की मस्ती थी और ये दिल आवारा था। कागज की किस्ती थी पानी का किनारा था, होली की मस्ती थी और ये दिल आवारा था। कहां आ गए हम इस समझदारी की दलदल में, कहां आ गए हम इस समझदारी की दलदल में। वो अपना बचपन कितना प्यारा था, वो अपना बचपन कितना प्यारा। आप बड़े समझदार हैं, मैं कुछ लाइनें कहता जाऊंगा, आप लाइनें पकड़े तो ताली बजा करके आशीर्वाद दीजिएगा। बड़े चुनाव हुए हैं, बड़ा रिजल्ट आया है। एक बार भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई की और रावण के परिवार का सत्यानाश कर दिया, तो रावण के परिवार की मृत आत्माएं आकर के राम से कहती हैं कि भगवान ऐसा तांडव कब दोबारा करोगे? तो भगवान राम कहते हैं कि कलयुग आएगा और अयोध्या में सैफई नाम के उसमें एक व्यक्ति जन्म लेंगे, और जो जन्म लेंगे रावण की तरफ इशारा करते हुए बोले कि उसका नाम मुलायम होगा। कि अयोध्या में सैफई नाम का एक गांव होगा और मुलायम की तरफ, रावण की तरफ इशारा करते हुए बोले कि उसका नाम मुलायम होगा और वो राज्य का बादशाह होगा। तभी कुंभकर्ण बोला, प्रभु मेरा क्या होगा? तो प्रभु राम बोले, लोग आपको शिवपाल के नाम से जानेंगे। कुंभकर्ण बोले कि प्रभु मेरा क्या होगा? तो प्रभु राम बोले कि लोग आपको शिवपाल के नाम से जानेंगे और आप हमेशा राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करेंगे। तभी बेचारा मेघनाथ मुस्कुराते हुए आया और कहने लगा, प्रभु मैं तो युवराज हूं, मेरा क्या होगा? प्रभु राम ने कहा, तुम भी युवराज रहोगे। 2012 में जनता को मूर्ख बना करके
वंश के अंतिम युवराज हो गए। ये कहकर जब प्रभु राम जाने लगे तब बेचारी सुरमन घबोली की, प्रभु सबका कल्याण कर दिया, मेरे लिए क्या होगा। भगवान राम बोले तुम भी चिंता मत करो, अयोध्या की राजा रानी बनोगी, तुम्हारी अब भी शादी नहीं हुई तब भी शादी नहीं होगी, लोग तुमको मायावती के नाम से पुकारेंगे। और जब बिल्कुल अंतिम एंड आ गया तो जाते जाते बेचारा मायावी मारिच बोलता है कि प्रभु मेरा क्या होगा। प्रभु रुके, देख करके मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले तुम तब भी मायावी हो गए, ड्रामेबाज हो गए, और कलयुग में तुमको केजरीवाल के नाम से जाना जाए। एक छोटी सी कविता होगी थी, अपनी बातें कहते हुए समाप्त करूंगा। प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं कि सारे सिकवे गले भूले जाएंगे होली में, कि सारे सिकवे गिले भूले जाएंगे होली में, इस तरह आज मनाएंगे होली में, प्यार के रंग में बसे नहाएंगे होली में, इस तरह आज हम होली मनाएंगे होली में। कुछ लाइनें कि फागुन आता देख कर, कि फागुन आता देख कर उपवन हुआ निहाल, अपने तन पर लपेटा केसर और गुलाल, कि फागुन आता देख कर उपवन हुआ निहाल, अपने तन पर लपेटा केसर और गुलाल, तन हो गया पलाश सा, तन हो गया पलाश सा, मन महुए का फूल, मन महुए का फूल, फिर फगवा की धूम है, फिर फगवा की धूम है, तू रंगों में धूल, मादक हुआ मंजरी मैं का मंद समी, मादक हुआ मंजरी मैं सबकी चार, कोयल कूके कानड़ा, कोयल कूके कानड़ा, भवरे भैरव राग, गली गली में गूंजता, गली गली में गूंजता, एक ताल में पार, नैनों की पिचकारियां, नैनों की पिचकारियां, भावों के हैं रंग, नटकट फागुन कर रहा अंदर मन को तंग, नटकट फागुन कर रहा अंदर मन को तंग, रंगों की बारिश हुई, रंगों की बारिश हुई, आंधी चले गुलाल, मन भर होली खेलिए मन रहे, मन भर होली खेलिए मन रहे न गुलाल। दो दिन पहले शहीदी दिवस था, जिनके कारण हमें जीवन का सुख मिला, जिनके कारण हमने भारत को भारत जाना, दो लाइनें उनको देता हुआ अपनी जीवन ग्रहण करूंगा। कि प्रेम का रंग डाल दें, कि प्रेम का रंग डाल दें उन पर जिनकी छवि हो प्यारी प्यारी, कि प्रेम का रंग डाल दे उन पर जिनकी छवि हो प्यारी प्यारी, देश भक्ति के फूलों से, देश भक्ति के फूलों से जो खिला रहे हैं फुलवारी, जो खिला रहे हैं फुलवारी। आप सबको नमन करता हुआ कि होली वही, कि होली वही जो स्वाधीनता की आन बन जाए, कि होली वही कि स्वाधीनता की आन बन
बन जाए, होली वही जो उस प्यारे से भारत की शान बन जाए, होली वही जो उस प्यारे से भारत की शान बन जाए। भरो पिचकारी तीन रंगों की, भरो पिचकारी तीन रंगों की, कि कपड़ों पर गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए, कि कपड़ों पर गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आपने फागुन के महीने की बात की, होली की बात की और फिर देशभक्ति की भी बात की, तो ये पाटोजी के लिए आपके लिए फागुन की निशा है होली की नंदिनी, फागुन की निशा है होली की नंदिनी, गली सुंदरी की दोसीजा जवानी, इस दीवाने शायर ने क्या कलर क्या चला दी, सोचता रच दी है इसने कविता की नाजी।